आपने एक टीम लॉन्च किया है, उसकी आप ऑनर को ऑनर प्रेसिडेंट से हैं, आपको तो आप बताइए कि क्या कुछ फीलिंग हो रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में, आपके सिस्टर एक्चुअली बड़े सारे पूछ लिए। पहली बात तो कि ये इतना बड़ा कदम ना पर्सनली एक तरह के बिजनेस वेंचर में मैंने इससे पहले नहीं लिया था। इससे पहले मैंने एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट की थी जो कि एक स्टार्टअप की तरह थी। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीग के अंदर एक नई टीम मैंने खरीदी है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है मेरे लिए। कभी सोचा नहीं था, कुछ साल पहले भी लोग मुझसे पूछते कि ऐसा कुछ करूँगी, तो स्पोर्ट्स से प्यार तो बहुत है बट इस हद तक वो लेके जाएगा प्यार मुझे, कहते थे प्यार अंधा होता है, तो कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गया कि मैंने अब टीम खरीद ली है। अब आई जस्ट होप कि मेरी जो गट फीलिंग इंस्टिंक्ट है वो मेरे को आगे तक लेके जाए इस वेंचर में भी। और मेरे घर वालों का, आई थिंक मेरी बहन का अगर आप पूछ रहे हैं तो वो एक्सट्रीमली सपोर्टिव, शी ऑल्सो इज़ देयर इस टीम में, मेरे को मदद करेगी, यू विल सी हर ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो वेडिंग प्लानर है, उसको इवेंट संभालने का एक्सपीरियंस है, सो वो मेरी हेल्प करने वाली है ऑन ग्राउंड। IPL तो बहुत आगे की बात करो यार, अभी पहले ये वन एट अ टाइम करते हैं, एक कदम एट अ टाइम करेंगे। अब प्रे करो कि ये सक्सेसफुल हो ताकि मैं कुछ और बड़ा कर सकूँ। ओके मैम, आपकी टीम में इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर भी है, सो कितना 5 इंडियन है 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाने के लिए आपकी टीम डिफिकल्ट? तो खैर आई थिंक PBL का फॉर्मेट ही ऐसा है कि डिफिकल्ट तो नहीं होता इनको लाना, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स साइंड अप होते हैं PBL वालों के साथ, कि हमें चूज़ करना होता है ऑक्शन के अंदर, जिस तरह से बाकी लीग्स का ऑक्शन होता है इसका भी ऑक्शन होता है। सो एक तरह से स्ट्रैटेजी ये थी कि मिक्स करना है प्लेयर हर तरह के एक्सपीरियंस के, हर तरह के बैकग्राउंड्स के, क्योंकि ये ना लीग के अंदर आके ये बैडमिंटन जो है वो टीम स्पोर्ट बन जाता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं बनता। अगर कैरोलिना चाहे वो इतनी बड़ी प्लेयर है, वो मेरे को अगर अपना मैच जीत भी जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि मेरी टाई जो होगी उस दिन की जीत जाएगी, क्योंकि 5 मैच में से 3 मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ एक मैच के बलबूते पर मैं पूरा लीग नहीं जीत सकती, सो मेरे लिए एक एक जो प्लेयर है, हर एक प्लेयर मेरा स्टार है, क्योंकि वो सब जीतेंगे तो ही मैं जीतूँगी, एक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो इसका फॉर्मेट ऐसा है, इसलिए मैंने मिक्स करा एक्सपीरियंस प्लेयर, यंग टैलेंट जिन्होंने ऑफ लेट कुछ लास्ट महीनों के टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सो उनका रिकॉर्ड देख के लेटली कैसे परफॉर्मेंस है उनकी, उस समय ऑक्शन में हमने चूज़ किया। सो मिक्स एंड मैच है, इंडियन 5 इंडियन है, 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं, और एक्सपीरियंस कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मथायस, 18 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और अभी ये जो लक्ष्य है वो अभी अंडर 18 में ही खेल रहा है। सो इट्स लाइक अ ह्यूज मिक्स एंड मैच, आई थिंक मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट है। मैंने अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजी लगाई है अपने कोचेस के साथ मिल के, हमें तो लगता है कि काम करेगी, अब आगे देखते हैं 22 को पता चल जाएगा। ओके मैम, बीइंग अ को ओनर, व्हाट विल बी योर मेन पर्पस, सो हाईलाइट द गेम, अर्न अ मनी, और या बड़ा? सी अर्न अ मनी तो खैर बहुत दूर की बात होती है, किसी भी लीग के अंदर अर्न अ मनी तो बहुत सालों के बाद आता है, वो पास में तुम ये सोच के कि मैं अभी कभी पैसे मिल जाएंगे ऐसे नहीं होता लीग के अंदर, तो वो मेरा माइंडसेट ही नहीं है। एंड मोर सो बिजनेस साइड ऑफ एस्पेक्ट, आई एम नॉट हैंडलिंग, माय को ओनर्स द टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो मेरी है वो बिजनेस साइड देखती है। मेरा काम इतना है, मुझे बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट, एज अ लीग, एज स्पेशली दिस लीग, ये जो डोमेस्टिक लीग है हमारी, उसको एक एक सिटी में, एक एक घर में पहुँचाना है, मेरा ये एम है। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के अंदर क्रिकेट के बाद इंटरनेशनली अगर कोई स्पोर्ट है जिसको एक रिकग्निशन मिलता है एट इंटरनेशनल लेवल, और जिसके प्लेयर्स परफॉर्म करके डिलीवर करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, इज बैडमिंटन। बट देयर इज अ ह्यूज गैप आई फील बिटवीन द लीग, IPL लीग एंड बैडमिंटन लीग, मुझे वो गैप कम करना है, क्योंकि मैं पहली एक्टर हूँ जिसने बैडमिंटन लीग में एक टीम ओन करी है। सो आई होप और ओन करें लोग इसके बाद, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं, जितना रिजल्ट रहा है बैडमिंटन का हमारी कंट्री से लास्ट कुछ सालों में, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है रिजल्ट। मतलब ये 2020 के अंदर जब ओलंपिक होगा तो एक दो नहीं काफ़ी मेडल कंटेंडर्स होने वाले हैं इंडिया से, तो आई थिंक इट्स ओनली गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर। सो मेरा काम है कि मेरे को हर एक सिटी के एक एक घर के अंदर बैडमिंटन का ऐसा वो स्पोर्ट ऐसे पहुँचाना है कि वो ओन करें कि ये हमारा स्पोर्ट है। ओके तब से मैम, आपकी अच्छा कर रही हूँ कि नहीं, वो तो हाँ, वो बात ये कि एक ना मेरे लिए एक्टिंग एक जॉब है, मैं काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ जैसे सबका होता है, और ये जो चीज़ें हैं वह चाहे वेडिंग प्लानिंग हो, चाहे ये बैडमिंटन टीम हो, ये मेरा पर्सनल पैशन इंटरेस्ट मान लीजिए जो है, जो कि एक बिजनेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। मेरा फर्स्ट एंड मेन प्रोफेशन एक्टिंग ही रहेगा, बट ये जो प्रोफेशन है मुझे हेल्प करते हैं
कहते हैं ना रीबूट होने के लिए, ताकि मैं दोबारा से फ्रेश एनर्जी से आ पाऊँ. तो मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा डिसकनेक्ट करते हैं, ताकि मैं इन फील्ड के अंदर थोड़ा दिमाग लगाऊंगी तो रिफ्रेश हो जाऊं, और फिर जब एक्टिंग में वापस आती हूं तो एक डिफरेंट एनर्जी से वापस आती हूं. इसलिए ओके मैम, आप मल्टी टैलेंटेड भी है, एक्टिंग भी, कराटे भी, आप बैडमिंटन में भी, कैसे मैनेज करते हो? व्हिच इज योर फेवरेट? आई थिंक कराटे, मार्शल आर्ट्स मैंने फिल्म्स की वजह से सीखी थी, उसके बाद शौक पड़ गया तो कैरी ऑन किया था. बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से मैं इंक्लाइंड रही हूँ. मैं एक वो लड़की थी शायद घर के अंदर सिर्फ लंच और डिनर करने के लिए या सोने के लिए बैठती थी, और उसके बावजूद मतलब मैं सब बाहर ही रहती थी घर से, चाहे वो एक बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट हो, चाहे वो एकदम स्ट्रीट वाले स्पोर्ट नहीं होते पिट्ठू से लेके ऐसे जो छोटे मोटे बच्चे टाइम पर खेलते हैं ऐसे, लूडो तो भाई ऐसा मत बोलो यार, अभी भी तुम बेइज्जती मत करो यार मेरे आउटडोर स्पोर्ट्स की. सो मैं हर तरह के एक्टिव स्पोर्ट्स में बाहर रही हूँ. मैंने वॉलीबॉल ट्राई किया है, मैंने बास्केटबॉल भी ट्राई किया स्कूल टाइम पे, तो मैं अभी इनफैक्ट स्क्वॉश खेलती हूँ मैं अपने फिटनेस के लिए. तो मेरे को स्पोर्ट्स का बेंट ऑफ माइंड रहा है, मल्टी टैलेंटेड कह लो या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन कह लो, बट मुझे ना हर जगह हाथ पैर फिसाना हर चीज़ों में पसंद है. ओके, इसके अलावा बदलाव को लेके इसे एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मेरी बोनी करेगा 2019 की, क्योंकि 18 इतना अच्छा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 2019 भी अच्छा खुलेगा 8 मार्च को. मैम, इसके अलावा मिशन मंगल के बारे में अगर बता दें, 15 अगस्त, क्योंकि उसके साथ ही और एक वेब सीरीज भी क्लैश कर रही है सेम सब्जेक्ट, बहुत कुछ क्लैश कर रहा होगा. ओके, लास्टली वन न्यू ईयर विश. हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करो एंड गेट एंटरटेन्ड इन अ डिफरेंट वे दिस न्यू ईयर. कम वॉच आर मैच, विल बी प्लेइंग इन पुणे अराउंड न्यू ईयर्स, एंड वॉच PBL. आई थिंक बैडमिंटन डिजर्व्स योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. For Pune 7 aces, that's Carolina. Give a thunderous reception to the following games. Our next door looks, the first ever European Games women's single gold medalist, world number 21, Miss Line Jarsfelt. And it's time to call upon stage our third ace. Are we ready? Now welcome the ace who hails from the maximum city, Mumbai. He's one of the brightest prospects in India's men's double scene and ranks inside the top 20 of the world. A gold medalist at the 2018 Gold Coast Commonwealth Games. Let's give it up for Chirag Shetty. ये अपनी मुंबई का लड़का है. लेट्स चिराग फॉर मुंबई बॉय चिराग शेट्टी. बोलो ना भाई, क्या हुआ? एंड इट्स टाइम टू कॉल अपॉन द स्टेज आवर फोर्थ एस. सो आर यू गाइस रेडी? Ready to hear a loud cheer for our next left-handed shuffler. He represented India in the Asian and BWF World Junior Championships and also became the under-19 singles champion in the Junior Nationals.
please put your hands together for Harshil Dane. And that's Harshil for you! Harshil Dane! And it's time to call upon the stage our fifth ace. Are you guys ready? So let's do it. A big round of applause for our next ace, who hails from the city of love, Paris, and will make each one of you fall in love with this game. He has been touted as a giant killer and feared by the top players in the world. He knows his way around the court as well as the judo mat. So opponents, beware. The only French player in the top 30 of the world. Make some noise for Major Brice Levadays. Come on, guys, get up for Brice! Time to call upon the stage our six A's because they are in it to win it. Give a big hand for our next A's, the 26 years old who won the National Women's Doubles Championship in 2010 and 2011 and also won the Mixed Doubles title in 2010. Please welcome the world number 37 in the Pune 7 Aces shirt, Prajakta Sawant. Get up for Prajakta! Are you ready for our next ace? Because they are in it to win it! Our next ace hails from the icy land of Russia. He's part of the country's top doubles team with Ivan Sozonov and is the torchbearer of the sport in the nation. First time All England Open Doubles champions and a giant of a man at 6 feet 6 inches. He's set to dazzle the PBL with his powerful smashes. Let us put our hands together for world number 21, Vladimir Ivanov. Get up for Ivanov! And it's time to call upon the stage. Now it's time to call upon the stage our eighth ace. Put your hands together and welcome our youngest pick, all the way from Almora, Uttarakhand. The prodigy who has badminton genes running in his family, with his father being a coach and his brother being an international badminton player. Being trained at the famous Prakash Padukone Academy with 2 golds, 1 silver and 2 bronze medals, he has won 78% of the matches he has played in. Please welcome Lakshya Sen. Get up for Lakshya Sen! Because it's time to call upon the stage our 9th ace. So are you guys ready? Ek second, woh sari excitement nahi aa raha. Are you guys ready? Yes! So let's
Bring it on! Coming up next is the ace hailing from the southern metropolitan city of Chennai. He's one of the top shufflers in the country, achieving his best rank of world number 13 last year, an aspiring artist in his free time. He will be tipped to paint the pretty picture on the court with his racket for us. Ladies and gentlemen, presenting Ajay Jayaram. Give it up for Ajay Jayaram. और सर अब जो एस आने वाले हैं वो आखिरी हैं लेकिन सबसे कमाल हैं और 10th एस. It's time to bow down to welcome the sailor of our ship on stage. He represents the epitome of hunting in pairs. With a stellar record over an amazing career that spans almost two decades and counting. The flag bearer of an era of world-class badminton athletes from Denmark. He's crafty, he's reliable, and he is the captain of Pune Seven Aces. Let's join in welcoming on stage, Matthias Bo. Come on guys, give it up for the captain of Pune Seven Aces, Matthias Bo. अब है ना मतलब कमाल होने वाला है. पता है क्या होने वाला है? कौन आने वाला है स्टेज पे पता है? कोई आइडिया आप लोगों को? कौन कौन? अबे यार कौन? तेज बोलो, सुनाई दे रहा. वेरी नाइस. तो जी वो एक्टर जो है कमाल, सुपर प्रिटी, सुपर ब्यूटीफुल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अपने सेरेब्रम का बड़ा यूज करती है. वो चाहे हो मनीष, सूजा या मनु, सब फैन है.